शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? क्या कह रही हो गीत? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? नियति मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। मैं बोल रहा हूँ ना कि अरे उसने मुझसे वादा किया था कि वो जिंदगी भर मेरा साथ निभाएगी। पापा आप तो जानते हैं ना कि वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ती। पापा मुझे तो लगता है ना ये इंस्पेक्टर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, वरना ये हमें यहाँ क्यों बुलाते? या फिर हो सकता है कि नियति के किडनैपिंग में इनका हाथ हो। अरे किसी का भी पर्स ला के सामने रख देते, आप मुझे जवाब दीजिए। देखिए आप एक पुलिस ऑफिसर पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन मैं माफ कर रहा हूँ क्योंकि मैं समझ सकता हूँ इस समय हालात आपके ठीक नहीं है। जहां तक ये पर्स और घड़ी का सवाल है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये घड़ी और पर्स वही लड़की पहन रखी थी जिसके शिनाख्त के लिए आप लोगों को बुलाया गया है। आप लोग चलकर शिनाख्त करेंगे? मुझे आपके साथ नहीं आना। चलिए इंस्पेक्टर साहब। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? शास्त्री देखकर बताइए कि आपकी बहू है नियति शास्त्री। अगर ये नियति होती तो लगातार अंगूठी पहनने के कारण इसकी उंगली पर निशान होता, लेकिन इसे देख के तो लगता है कि जैसे इसकी सगाई भी नहीं हुई। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं इंस्पेक्टर साहब, ये नियति नहीं है। वैसे तो मैं जानता था कि नियति के लिए हमारे अंबर का विश्वास कभी गलत नहीं हो सकता।
हो सकता। नहीं, ये नियति नहीं है। ये नियति हो ही नहीं सकती। हाँ, ये नियति नहीं है। खामखा आप लोगों को जहमत उठानी पड़ी, लेकिन हम लोगों को भी रूटीन चेक करना पड़ता है। बहरहाल मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अपनी तफ्तीश और भी तेज कर दूंगा। तेज तो तब करेंगे जब तफ्तीश शुरू करेंगे। मैं आपसे पूछता हूँ कि मेरी बीवी का पर्स और ये घड़ी आपके पास आए कहाँ से? मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये चीजें मुझे उसी लड़की की बॉडी से मिली जिसके शिनाख्त करके अभी अभी ये लोग आए हैं, और अब हम लोग यही पता लगाने की कोशिश करेंगे। कुछ नहीं करेंगे आप लोग, कुछ नहीं। बीवी मेरी खोई है, किसी और की नहीं, इसलिए मैं ही उसे ढूंढूंगा और मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। अरे अंबर, 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 अंबर। मैं देखती हूँ। अंबर, हम यहाँ क्यों आए? यही वो जगह है जहाँ पर पुलिस को नियति की वो चीजें और वो डेड बॉडी मिली थी। अगर हम यहाँ पर ढूंढें तो कोई ना कोई छोटी चीज जरूर मिल जाएगी जो कि सुराग का काम करेगी। कुछ भी नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ होगा उस दिन। कहीं नियति को सचमुच। कैसी बातें कर रहे हो अंबर? अगर तुम हिम्मत हार जाओगे तो अंबर, मेरा दिल कहता है कि नियति हमें जरूर मिलेगी, हम दोनों उसको ढूंढेंगे। आई प्रॉमिस यू। मेरा दिल कहता है हमारी छोटी को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अरे वो है ही ऐसी ना, किसी की भी मदद करती है तो उसे वक्त का ध्यान ही नहीं रहता। अभी भी देखना, वो जरूर किसी की मदद में लगी होगी। लेकिन अंबर कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? मुझे भी अंबर की बहुत फिक्र हो रही है, बहुत डिस्टर्ब रहता है वो। शुक्र है कि गीत उसके साथ है और वो अंबर के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी। आधी रात भी हो चुकी है, अभी तक नियति का कुछ पता नहीं चला। बाबूजी चिंता मत करें बाबूजी, देखिएगा नियति आएगी और बिल्कुल सही सलामत आएगी बाबूजी। कम से कम बाबूजी मेरा दिल तो यही कहता है। और मेरा भी भाऊजी, मैं तो हमेशा से यही मानती आई हूँ कि अच्छे लोगों के साथ आखिर में हमेशा अच्छा ही होता है। और माँ जी आप भी देखना, हमारी नियति के साथ भी अच्छा ही होगा, और जिसकी वजह से वो आज हमारे साथ नहीं है उसका तो। मैं क्यों उसके बारे में बुरा बोलूं, उसको तो ऊपर वाला खुद ही फल देगा। लोग भी
कितनी खुश फैमिलियों में जीते हैं बाई गॉड, जैसे इनके भगवान जी खुद आकर मेरे कर्मों का फल देने वाले। चलो बेचारे ये सब बोल के थोड़ी देर के लिए एक दूसरे को तसल्ली दे रहे हैं तो देने दो, मेरा क्या जाता है, क्योंकि आखिर मैं तो वो ही होने वाला है ना जो मैं चाहती हूँ। ले खाना खा। जरा खोलेगी खाना खा, ले खाना खा। चुप, बीबी नहीं मान रही। भी नहीं खाया है उसने। जिद्दी है, ऐसे नहीं मानेगी। रुक, मैं चलता हूं अभी। चल देखता हूं कोई से खाना नहीं खाती। दरवाजा क्यों खोल रखा था? मुझे क्या पता था कि वो आ जाएगी। मम्मी मियां मत, लड़की ज्यादा दूर नहीं गई होगी, उसको ढूंढ। अगर लड़की चली गई ना हाथ से तो हम दोनों जान से जाएंगे। चल चल। सिर्फ जाते तुम सिर्फ जाके देखो। नहीं नहीं, जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे, अलग अलग जाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर खतरा हो सकता है। ठीक है चलो। यहाँ कोई नहीं है, उस तरफ चल के देखो।
नियति, 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 यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। ऐसा क्यों लग रहा है कि नियति मेरे पास होने के बावजूद भी मुझसे बहुत दूर है? वो इसलिए अंबर, क्योंकि नियति तुम्हारे दिल के बहुत करीब है। ट्रस्ट योर लव अंबर, नियति तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। नियति किस हाल में होगी? आई होप कि सही सलामत हो। हाँ। मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूं ना, देखो पीने का पानी नहीं लाई, अभी लेके आती हूँ। तुमसे कितनी बार मना किया था कि मुझे फोन मत करना। अरे मैडम, इमरजेंसी आ गई थी, इसलिए करना पड़ा। इमरजेंसी? अरे उसका आदमी एक लड़की के साथ ढूंढते ढूंढते यहाँ आ पहुंचा था। क्या? अरे मैडम वो तो शुक्र मनाओ। अरे मैडम, जब से उसको यहाँ लाए हैं उसने एक निवाला तक नहीं खाया है, अब आप ही बताइए उसका क्या करना है। क्या करना है? ध्यान से सुनो, समझ गए? ओके मैडम,